तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसी लकड़ी उठा लेनी है, ये सूखी सूखी लकड़ी पड़ी है ना, देखो इसकी आवाज बता देगी, ये सूखी पड़ी है, ये रही ना सूखी, ऐसी लकड़ी लेनी है। तो ये आ गई हमारी लकड़ी। अब हमें इन लकड़ियों को कोयला बनाना है, और कोयला साफ बने इसलिए सबसे पहले इन लकड़ियों को साफ कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग रही है ना, इसको धो लेंगे एक बार। तो सारी लकड़ी यहाँ पे टूट गई। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं लकड़ी धो के रहूँ, अगर मैं लकड़ी धो भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं निकाल के एकदम से रख दूंगा वापस। ये मैंने पानी में डाली, और जितनी लकड़ी गीली होगी ना, वो सारी की सारी जो पानी रहेगा वो स्टीम बन के बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें खराब लकड़ी मिली थी, आप साफ लकड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए यहाँ पे एक कुकर, और कुकर भी हमने बिल्कुल बेकार से लिया है, देखो कोई अच्छा कुकर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम लकड़ी का कोयला बनाएंगे तो इसमें टार निकलेगा, वो टार पूरे कुकर को खराब कर देगा, अंदर से सड़ जाएगा, सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए एक बेकार से कुकर हमने यहाँ पे ले लिया, और इसमें सारी लकड़ी में डाल रहा हूँ। तो हो गया, अब हमारा बिल्कुल सेटअप एकदम तैयार है कोयले बनाने के लिए। इसका ढक्कन लगाया और एकदम तैयार। यहाँ पे ना रबड़ लगानी, कुछ नहीं लगाना, और ऊपर का जो नोजल है ना ये क्लियर रखना, ताकि भाप जो है वो एकदम से बाहर आ सके। गैस सिलेंडर यहाँ पे हमारा आ गया, अब इसके कलर पे मत जाना, ये ठीक है बिल्कुल, बस पेंट थोड़ा उतर गया, ये हो गया चालू, और ये रख दिया हमने इसके ऊपर। अब होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही लकड़ी जलनी शुरू होगी, ऑक्सीजन बहुत ही कम जा रही है, बहुत कम, तो लकड़ी के अंदर वोलेटाइल मैटर जितना होगा, वोलेटाइल वो चीज़ होती है जो हल्की होती है, उड़ जाती है, तो वोलेटाइल मैटर जितना होगा सब उड़ जाएगा, वाटर वेपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मतलब जितने भी केमिकल वगैरह हैं सब उड़ जाएंगे, सारी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बस लास्ट में कार्बन बचेगा, और कार्बन ही होता है हमारा चारकोल, कोयला जिसे बोलते हैं। तो वेट करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी देर में स्टीम दिखाई देगी। तो अभी काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड का हमने ध्यान नहीं दिया था, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दिया, अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लियर आ जाएगी जब स्टीम निकलेगी। यहाँ पे हल्का हल्का धुआं अभी भी दिख रहा होगा, बट थोड़ी देर में प्रेशर आएगा, यहाँ से निकलेगी, सबसे पहले वाटर वेपर आएंगे, फिर उसके बाद आएगी वुड गैस। अब वुड गैस क्या होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, वो वुड गैस जलती है, हाँ वो इन्फ्लेमेबल होती है, उस वुड गैस में टार भी होता है थोड़ा सा, बट टार ऊपर इतना नहीं आएगा, जो गैस आएगी वो हल्की हल्की जलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वाटर वेपर होंगे इसलिए कम जलेगी, अगर वाटर वेपर हम शांत कर दें तो बहुत बढ़िया फ्यूल बन सकता है वो। और अभी देखो ये जो आपको स्टीम दिख रही है ना, इस स्टीम में अंदर वाटर वेपर है, और जितने भी वोलेटाइल मैटर था वो सारे की सारी चीजें जो भी उड़ सकती है ना, हाइड्रोकार्बन हो गया, वो सारा का सारा यहाँ पे उड़ के पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, लास्ट में सिर्फ कार्बन बचने वाला है। अब ये जो स्टीम जा रही है इसमें वाटर वेपर भी और उसमें टार भी है, ये व्हाइट कलर की दिख रही है बट इसमें ब्लैक कलर का टार है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सूखी लकड़ी है, बिल्कुल एकदम सूखी लकड़ी है, और मैं इसको इसके ऊपर ला रहा हूँ, जाते ध्यान से देखेंगे तो ये आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ब्लैक कलर का रेसिड्यू दिख रहा है जो सीटी के ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे बह के जो आ रहा सब, ये सारा का सारा टार है, अभी थोड़ी देर में इस लकड़ी के ऊपर भी आ जाएगा। अब ये देखो ये जितना है ना, ये सारा का सारा टार है, अगर किसी को लग रहा हो कि लकड़ी जली है, जली नहीं है, टार है, ये देखो अगर मैं उंगली से इसको हटाऊं, ये देखो ये देखो देख रही है आपको, जैसे ही मैं गैस टॉर्च इसके पास ला रहा हूँ इसमें फ्लेम जल जा रही है, ये देखो। अब इसमें क्योंकि वाटर वेपर है इसलिए फ्लेम ढंग से नहीं चल रही, पर अगर हम इसके वाटर वेपर को दूर कर दें तो एक बहुत बढ़िया फ्लेम हो सकती है, देखो धुआं निकल रहा है, और जैसे मैं इसको लाता हूँ धुआं देखो कितना कम हो जाता है, हटाया धुआं शुरू, लगाया धुआं बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि जो इसमें निकल रही है वुड गैस है और ये फ्लेमेबल होती है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, तो देखो इसकी गैस जलने लग रही है। अब देखो यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है ना, ये स्मोक निकल रहा है, देखो कितना ज़्यादा कम हो गया। अब ये जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हमारा चारकोल, हमारा कोयला बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये एक सिंपल सा मेथड है आप लोगों को बताने के लिए कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसका वोलेटाइल मैटर सारा उड़ जाता है और लास्ट में सिर्फ कार्बन बचता है, यानी हमारा कोयला। अब ये बहुत ही एकदम सिंपल सा जुगाड़ है, कुकर लिया हमने, बंद कर दिया और ऊपर एक होल होता है, आप सबको पता है, वहाँ से पूरी की पूरी स्मोक निकल गया और लास्ट में हमारे कोयले बनके तैयार हो गए। बट इससे हम छोटे छोटे कोयले बना सकते हैं, अगर बड़े बनाने तो उसके लिए बड़ा सेटअप ही लगेगा। और यहाँ पे तसले में हमने क्या करा था, नॉर्मल लकड़ियों को जलाया था, जैसे हम घरों में जला देते हैं या हाथ सेकने के लिए जला देते हैं ना, ऐसे बैठ जाते हैं सर्दियों में, ऐसे बैठ जाते हैं ना हाथ, आपने बैठ जा हाथ सेक ले, तो ऐसे बैठे रहते हैं ना हाथ सेकने के लिए, यूँ बैठे रहते हैं। तो क्या करा, लकड़ियों को तसले में रखा और नीचे पन्नी या कागज कुछ भी रखा और आग लगा दी। अब इससे जो कोयले बनते हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो वो कैसे रहते हैं, ये रहा, और एक और ले लेते हैं, चलो ये रहा। और अब देखते हैं अपने कुकर वाले, अब देखो धुआं आना बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा देते सब, और अभी देख लेते हैं क्योंकि गर्म होगा इसलिए मैं टॉवल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो ढक्कन पे, देखो पहले ये देखो ढक्कन पे जितना भी ब्लैक दिख रहा है पूरा का पूरा टार है यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा था खराब कुकर लेना, अगर ढंग का कुकर ले लेते तो कुकर खराब हो जाता हमारा।
और ये जो हमारे निकले हैं ये निकले कोयले, प्लेट करिए इधर। अब देखो इन कोयलों में और इन कोयलों में फर्क, ये जो हमने नॉर्मल लकड़ी जलाई हुई थी तसले में उसका और इसका फर्क देख लो क्या है। ये देखो क्या है कोयले हमारे पास, और वेट देखना कितना कम है, मैं छोड़ रहा हूँ आवाज सुन लेना। ये देखो और अंदर आग है हल्की हल्की, ये देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो दिख रही ना आग, ये देखो ये देखो। तो ये हमारे कोयले बनके तैयार हो चुके हैं, ये देखो। और अगर इन कोयलों को जलाएंगे तो स्मोक नहीं आनी चाहिए, ऐसा होता चारकोल, तब इनको जला के देखते हैं। अब देखो ये नॉर्मल आग है जो हमने तसले में लगाई हुई थी और ये हमारे कोयले जो हमने बनाए हैं, अब देखते हैं दोनों की आग में क्या फर्क आता है। अब यही तो होता है असली कोयले, देखो हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे कि ठीक से जल जाए, बट ये ठीक से नहीं जले क्योंकि ये प्रॉपर कोयला, ये धुएं के बिना जलेगा। अब जितने भी आपको राख दिख रही है, देखो ये दिख रहा है, जब हमने कोयले निकाले थे बिल्कुल प्रॉपर थे, बट अब इनकी राख बनने लगी है और जरा सा भी धुआं नहीं है, कहीं भी कोई भी स्मोक नहीं आ रहा, ये देखो। और ये प्रॉपर कोयले हैं, ये वाला जो ठंडा टुकड़ा है मैं इससे आपको दिखाऊंगा, ये देखो मेरा, ये देखो पूरा का पूरा जो राख बन रही है ना, ये रहा प्रॉपर कोयला है, दिख गया। और इस कोयले से यहाँ पे ये अंगूठे पे लगाओ और ऐसे बन जाओ डाकू, ये देखो। अगर कोयले आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो रेड है, दिख रहा है ना रेड कलर का कोयला। तो इनको जलाने के लिए ये है कि एक कोयला हल्का सा जला दो, बाकी वो बाकियों को सुलगाता रहेगा। ये देखो धीरे धीरे सारे कोयले यहाँ पे जलने लग रहे हैं, ये रहा ऐसे काम करता है कोयला। कितनी बढ़िया चीज है ना, कोई स्मोक नहीं कुछ नहीं, बस हीट आपको लगातार मिलती रहेगी। तो यही काम होता है कोयले का। तो जो हम बना रहे थे एकदम परफेक्ट कोयला यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ये तरीका अच्छा लगा कि एकदम छोटे से सिंपल से तरीके से कैसे किसी चीज को बनाया जाए तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो, और हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।